कंगना रनौत हो गई बुरी तरह ट्रोल। दरअसल हाल ही में उन्होंने अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से कर दी। उन्होंने कहा कि जितना सम्मान अमिताभ बच्चन को मिलता है उतना ही मुझे भी मिलता है। अब कई लोगों को उनकी ये बात रास नहीं आई और उन्होंने कंगना को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ कमेंट्स पर आप भी डालें एक नजर। फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग हुई शुरू, सामने आई तस्वीरें। ट्रोलर के चपेटे में आई संजय लीला भंसाली की भांजी और हीरा मंडी में आलम जेब का किरदार निभाने वाली शर्मिन सेगल। दरअसल लोग सीरीज में उनकी एक्टिंग से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनका कमेंट सेक्शन ट्रोलिंग कमेंट से भर दिया। आप भी डालें ऐसे ही कुछ कमेंट्स पर एक नजर। कृष्णा और कश्मीरा से नाराज होने की असली वजह का किया खुलासा। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें गोविंदा बता रहे हैं कि वो क्यों नाराज है कृष्णा और उनकी पत्नी से। गोविंदा ने बताया कि जब कृष्णा और कश्मीरा के जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे तो वो और उनकी पत्नी सुनीता बच्चों से मिलने अस्पताल गए थे, लेकिन उनके माता पिता के निर्देश के अनुसार उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उस समय गोविंदा ने सोचा कि शायद इन्फेक्शन के डर से ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाद में भी वो बच्चों से नहीं मिल पाए, इसलिए उनके रिश्तों के बीच दूरी आ गई। अदिति राव हैदरी ने किया बड़ा खुलासा। संजय लीला भंसाली ने बिना लंच के अदिति से करवाया था शूटिंग। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में इसी बारे में बात करते हुए अदिति ने कहा, उन्होंने पूछा क्या ये ठीक है, मैंने कहा ठीक है डन, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया और इससे मुझे वास्तव में मदद मिली। हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। उन्होंने जाहिर की खुशी। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, हाउसफुल मेरी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक है और ये घर लौटने जैसा है। श्री श्री रविशंकर के साथ काशी में गंगा आरती की विक्रांत मैसे ने। तस्वीर और वीडियो आए सामने। ऋचा चड्ढा ने किया बड़ा खुलासा। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे टॉक्सिक को एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है जो उनसे कंपटीशन करती है। अपनी ही बातों में वो आगे कहती है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी महिलाओं के साथ काम कर चुकी हूँ जो सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म की बातें करती है, लेकिन असल में वे महिलाओं के साथ गलत करती है। कॉन्सर्ट में अपने ऊपर बॉटल फेंकने जाने पर फाइनली चुप्पी तोड़ी सुनिधि चौहान ने। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, ऐसा कुछ मेरे साथ पहली बार हुआ और मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझकर किया गया होगा, बच्चे मस्ती कर रहे थे। इम्तियाज अली ने खुलासा किया कि अमर सिंह चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ ने बाल नहीं कटवाए थे बल्कि विग पहना था।